नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक बड़ी पिक्यूलियर कंडीशन की, लेकिन डेंटल फील्ड में बड़े कॉमन कंडीशन की, और वह है TMJ, टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट। और यह गलत कहा जाता है, ये बेसिकली TMD होता है, टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट डिजीज। जो उस टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट होता है, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट होता है, उसका जो है जो डिस्कम्फर्ट और डिजीजेस होते हैं उसको TMD कहते हैं, लेकिन गलत स्पेल करा जाता है इसको TMJ। बहरहाल आप ये समझ लें, TMJ और TMD एक ही चीज़ है। टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट की डिस्कम्फर्ट या बीमारियों को टेम्पोरल मैंडिबुलर डिजीज कहते हैं, यानी TMD कहते हैं। यह है डेंटिस्ट्री फील्ड की एक बड़ी समस्या है जो कि आपको तकलीफ देती है। आज हम आपको बताएंगे, अगर डॉक्टर ने आपको TMJ या TMD बताया है तो उसको ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपको इस समस्या से निकाल देंगी और स्वस्थ कर देंगी। सबसे पहले साथियों, जान लेते हैं कि TMD या TMJ होता क्या है। TMD साथियों, जो आपका एक टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट होता है, एक हिंज जॉइंट होता है। हिंज मतलब मूवमेंट वाला, ये मूव कर रहा है, एक हिंज जॉइंट होता है जिसमें कि आपका जो जॉ की बोन होती है, यह आपके जो स्कल का टेम्पोरल बोन होती है उससे अटैच होती है, वो जॉइंट होता है। जब इस जॉइंट में जोड़ में डिस्कम्फर्ट होती है, इसी को टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट डिजीज यानी TMD कहते हैं। यह साथियों बहुत कॉमन है, क्योंकि इसका पेन आप यहाँ से शुरू होता है तो पूरा यहाँ तक आता है, लेकिन होम्योपैथी में इसको ठीक करने की दवाएं हैं। बात कर लेते हैं साथियों इसके सिम्टम्स के विषय में। इसका सिम्टम साथियों, आपके ईयर के नीचे यहाँ पर पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होती है, आप पूरा मुंह नहीं खोल पाते हैं, आप जब मूवमेंट करते हैं, च्यू करते हैं, तो शोल्डर मसल तक, नेक तक पूरा पेन होता है, और यह ईयर तक भी जा सकता है। यह TMJ के सिम्टम्स होते हैं। बात कर लेते हैं साथियों TMJ के कारणों की। इसका साथियों एग्जैक्ट कारण अननोन है, लेकिन माना यह जाता है या तो कभी कोई आपके यहाँ पे इंजरी हुई हो उससे आपके यह डिसऑर्डर्स होता है, या फिर आप क्लेंच बहुत दांतों को बीजते हो, दांत बहुत किटकिटाते हो, स्ट्रेस पड़ती हो, या आपके आर्थराइटिस हो, तो आपके TMJ होने की बहुत उम्मीद होती है और आप इससे परेशान रहते हैं। हम आपको साथियों बताएंगे TMJ को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। उससे पहले साथियों बता दें, कोई भी समस्या हो तो कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्राइब करे बिना न लीजिएगा, क्योंकि हर दवा के अपने सिम्टम हर व्यक्ति में होम्योपैथिक पे भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बताते हैं साथियों आपको TMJ को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं बताने से पहले साथियों आपको थोड़ा इसकी चर्चा कर देंगे कि इसको आप कैसे अंदाज़ा लगाएं कि आपको TMJ हुआ है। अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन नहीं है। अगर आपकी हिस्ट्री रही है दांतों में DK की हिस्ट्री रही है, या इस तरह का पस फॉर्मेशन की हिस्ट्री रही है, तो आप यहाँ पर फील कर सकते हैं। अगर आप जॉस को मूव करते हैं और कुछ खटखट, कुटकुट, पिट पिट, कुछ इस तरह की आवाज़ें अगर जॉ के यहाँ मैंडिबुलर जॉइंट से आ रही हैं, तो मान लीजिए कि हो सकता है आपको TMJ या TMD हो। आप कुशल चिकित्सक से विजिट करके इसको डायग्नोस करा के इसका रेलिवेंट इलाज कर सकते हैं। TMJ में साथियों जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्थिति आती है, वह होती है कि आपके या जो जॉ है यहाँ पे स्टिफनेस आ गई। अगर आपके स्टिफनेस आ जाए जिससे आपको रोटी खाना तक मुश्किल हो जाए, पूरा मसूड़ा, पूरा मुँह ना खुले, और यहाँ पर जो है एक तनाव की स्थिति महसूस हो, तो वह एक TMJ की स्थिति हो सकती है। और उसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा है कॉस्टिकम। अगर आपके जॉज में स्टिफनेस है, पूरा मुंह नहीं खुल रहा है और रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है, तो उस स्थिति को आप कॉस्टिकम से ठीक कर सकते हैं। कॉस्टिकम है निमनाई 200 पावर में, दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका यहाँ जॉ की स्टिफनेस भी ख़त्म हो गई, आपका मुंह भी ज़्यादा खुलने लगा, और आपकी TMJ की स्थिति भी ठीक हो गई। फिर साथियों TMJ में एक कंडीशन आती है कि जब आपके मसूड़ों में और आपके यहाँ जॉ बोन में चुभन हो रही हो, तो अगर यह स्थिति आप में हो कि
कि आपको एक चुभन पिकिंग सेंसेशन महसूस हो रहा हो अपने जॉ बोन में, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एगारिकस मस्कैरिस। आप एगारिकस मस्कैरिस 30 पावर में 2-2 बोन दिन में 3 बार ले सकते हैं। जब आपके जॉ बोन में जॉइंट में प्रिकिंग सेंसेशन हो रहा हो, चुभन वाला सेंसेशन हो रहा हो, तो एगारिकस मस्कैरिस आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह दवा आपके TMJ की समस्या को ठीक कर देगी। एक साथियों TMJ में स्थिति आती है या TMD में स्थिति आती है कि जब आपका जॉ खोलते हैं तो उसमें क्रैकिंग होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस है। अगर यह स्थिति आप में है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है रस्टॉक्स। आप रस्टॉक्स वाली इनकी 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आप देखेंगे कि जो आपके जॉ में खटपिट हो रही है, मतलब मुँह खोला तो खट की आवाज़ आई, अगर यह स्थिति है और आपके TMD है तो रस्टॉक्स 1 mg पावर के इस्तेमाल से आप पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आप रस्टॉक्स 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें उस स्थिति में कि जब आपके जॉइंट्स में क्रैकिंग हो रही हो जॉ के, आपको गर्म सिकाई से आराम मिल रहा हो और आपके जॉज में क्रैम्प्स हो रहे हो, तो रस्टॉक्स आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस होगी। यह दवा आपको पूरी तरह ठीक कर देगी। फिर साथियों एक स्थिति हो कि आपको TMJ की शिकायत हो और आपका मुंह ही ना खुल रहा हो, तो अगर यह स्थिति हो कि आपको एक टेम्पो मैंडुलर जॉइंट का डिसऑर्डर है और आपका मुंह ही नहीं खुल रहा है, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है रूटा ग्रैंडुलस। रूटा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके TMJ की दिक्कत हो और आपका मुंह बिल्कुल ना खोल रहा हो। यह दवा आपका मुंह को भी खोलेगी, जॉस को यानी कि ओपन करेगी ज़्यादा ब्रॉड, और आपके TMJ को भी ठीक करेगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है TMJ की कंडीशन में कि आपके यहाँ पर पेन हो रहा है, स्टिफनेस है और आपका इसका दर्द सर तक ऊपर तक हो रहा है, तो अगर यह स्थिति हो आपके कि आपके जॉ में दिक्कत हो और वह दर्द आपके सर के ऊपर तक जा रहा हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सेलिसिया। आप सेलिसिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपका यहाँ पे जो टेम्पोरल मैंडुलर जॉइंट है यहाँ स्टिफ हो गया हो और आपके जो दर्द है वह सर तक जा रहा हो, आपको सर्दी बहुत लगती हो और आपके हथेली से पसीना बहुत आता हो, पांव के तलवे से पसीना आता हो और आपकी हथेली, हाथ और पैर ठंडे हो, उस स्थिति में आपके TMJ की स्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दवा सेलिसिया है। इसका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके आप इस समस्या से निकल सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है TMJ की कंडीशन में कि कभी आपके राइट साइड जॉ में हो रहा हो और कभी आपके लेफ्ट साइड जॉ में पेन हो रहा हो, तो अगर यह स्थिति होगी जब पोजीशन बदलती हो, यानी इधर हो रहा फिर थोड़ी देर बाद इधर हो रहा फिर इधर फिर इधर, धीरे धीरे ये बढ़ा और अचानक चला गया, तो अगर यह कंडीशन आपको हो तो इस कंडीशन को ठीक करने की और TMJ को ठीक करने की आप में बहुत कारगर दवा है पल्सेटिला निग्रा। आप पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले लें कि जब आपके शिफ्टिंग कैरेक्टर ऑफ पेन हो, आपको प्यास बहुत कम लगती हो, आपको खुली हवा में रहना बहुत पसंद हो और आपके पेन आ तो धीरे धीरे रहा हो, बढ़ रहा हो, फिर अचानक चला जा रहा हो, तो अगर यह स्थिति हो तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस पल्सेटिला है। यह दवा लेके आप लाभ प्राप्त करके TMJ को ठीक कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है TMJ की कंडीशन में कि आपके जॉ में दर्द बहुत हो रहा हो, जब भी आप इसमें कोई मूवमेंट करते हो तो पेन होता हो, तो अगर यह स्थिति है कि जब आपके मुंह को खोलने पे पेन होता हो इस जॉइंट में, यहाँ पे टेम्पोरल मैंडुलर जॉइंट में, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है मिजेरियम। आप मिजेरियम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपका मूवमेंट ऑफ द जॉस या दिस जॉइंट बहुत पेनफुल हो। आमतौर पे मिजेरियम के पेशेंट को स्किन डिजीज भी होते हैं जो इसमें इचिंग खुजली होती है, तो अगर यह सिम्टम आप में हो तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस मिजेरियम है, इसको आप लेकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि जब आपको TMJ हो यानी TMD हो और आपके राइट साइडेड ट्राइजेमिनल न्यूरेलजिया हो गया, यानी कि न्यूरेलजिक पेन हो रहा हो आपके
आधे सर में भी दर्द हो रहा हो, आपके कान में भी दर्द हो रहा हो, आपके चीक्स में भी दर्द हो रहा हो, आपके दांत में भी दर्द हो रहा हो, आपके नेक में भी दर्द हो रहा हो और आपकी आँख में भी दर्द हो रहा हो, लेफ्ट साइडेड, तो अगर वह स्थिति है साथियों तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है स्पाइजीलिया। आप स्पाइजीलिया 30 दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको लेफ्ट साइडेड ट्राइजेमाइनल न्यूट्रैलजिया हो, आपके चीक्स, आँख, सर, गर्दन सब में दर्द हो रहा हो, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस स्पाइजीलिया यह आपके सारे दर्दों को ख़त्म करके आपको ठीक कर देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि जब आपके यहाँ पे जॉ बोन में दर्द हो और वह पूरे चीक्स में एक्सटेंड कर रहा हो, अगर यह स्थिति आपको हो कि जरा भी आप मुंह चलाते हो, मूवमेंट करते हो जॉ का, थोड़ा भी कुछ खाते हो तो आपके पूरे गालों तक दर्द होता हो, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा एल्यूमिना है। आप एल्यूमिना 200 पावर की 2 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके जॉ में पेन हो रहा हो जॉइंट में और यह पेन आपके पूरे गाल पे जा रहा हो, आपको कब्जियत की शिकायत रहती हो, कई कई दिन तक आपको मोशन ना होता हो, आपके स्किन में डिजीजेस हो, आपके शरीर में खुजली होती हो, आपको सर्दी बहुत लगती हो, अगर यह सब सिम्टम आप में हैं तो आपका ड्रग ऑफ द चॉइस एल्यूमिना है। आप एल्यूमिना लेके अपने टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट को बिल्कुल ठीक करके इस डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है TMJ की दिक्कत में कि जब आप कुछ चबाते हैं तो आपको जो लास्ट मोलर होता है, जो लास्ट दांत होता है, उसमें बहुत पेन होता है। तो अगर आपको TMJ यानी TMD है और आपके लास्ट टीथ में पेन हो रहा है यानी लास्ट मोलर में पेन हो रहा है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है ग्रेनेटम। आप ग्रेनेटम 30 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपके जो टीथ में पेन हो रहा है उसको भी ख़त्म कर देगी और आपके TMJ यानी TMD को भी ठीक कर देगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपका जो टेम्पलर मैंडुलर जॉइंट है, यहाँ पे जो मसल्स हैं जॉ की, इनमें ऐठन हो रही हो, तो अगर इन जॉइंट्स में आपको ऐठन हो रही है बहुत ज़्यादा तो इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है स्पॉन्जिया। आप स्पॉन्जिया टोस्टा 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं अगर आपके TMJ यानी TMD हो, आपको खिंचाव आ रहा हो, ऐठन आ रही हो, क्रैम्प्स आ रहे हो जॉ मसल्स में और आपका कुछ भी खाना मुश्किल हो गया हो, तो आपका ड्रग ऑफ द चॉइस स्पॉन्जिया है। इस दवा को लेकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर साथियों की स्थिति आती कि आपके TMJ की बीमारी यानी TMD की बीमारी हुई और आपके जो दर्द है वह आपके कान तक होने लगा, तो अगर यह स्थिति हो कि आपको यहाँ पर दिक्कत हो, बेसिकली TMJ का डिसऑर्डर हो और आपके दर्द कान तक, ईयर तक एक्सटेंड कर रहा हो, अगर यह दिक्कत आप में है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है फाइटोलका डिकेंड्रा। आप फाइटोलका डिकेंड्रा 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका कान का दर्द भी ख़त्म हो गया और आपकी TMJ की बीमारी भी ठीक होने लगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है TMJ के मर्ज में कि आपके यहाँ जॉज में बहुत दर्द हो और जरा भी मुंह खोलते हो तो बहुत तकलीफ होती हो और आपके दांतों में दर्द हो रहा हो, तो अगर यह कंडीशन आपके है कि आपके यहाँ जॉ के जॉइंट से लेकर आपके टीथ गम्स तक में पेन हो रहा है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है हीपर सल्फ्यूरिस। आप हीपर सल्फ 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका TMJ यानी TMD की बीमारी ठीक हो गई और आपको ज़रा सा भी मुंह खोलने में जो दांत तक दर्द हो रहा है, मसूड़ों तक दर्द हो रहा है, वह ख़त्म हो गया और आप स्वस्थ हो गए। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आप कुछ भी निगलते हैं तो आपके बहुत दर्द होता है। अगर यह स्थिति है साथियों कि आप कुछ भी निगलते हैं, आप स्वालो करते हैं, उस समय आपके बहुत दर्द होता है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एरम ट्राइफिलम 30 पावर में 2 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि जो आपकी स्वालो करते टाइम, निगलते टाइम, खाना खाते टाइम, उसको निगलते वक्त जब आपके पेन हो रहा है या इस जॉइंट में, वह ठीक हो जाएगा एरम ट्राइफिलम के प्रयोग से। फिर साथियों एक स्थिति आती है, वह ऐसी होती है TMJ में कि बिना दर्द के मुंह खोला ही नहीं जा सकता। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को निपटने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैल्केरिया फॉस।
फोरिकम। कैल्केरिया फर्स्ट 6x पावर में 4 गोली दिन में 4 बार उस कंडीशन में आप ले सकते हैं जब आपके जहन में ये अपनी तकलीफ़ को लेकर ये बात आ जाए कि बिना दर्द के मुंह खोला ही नहीं जा सकता। उस वक्त ड्रग ऑफ द चॉइस आपकी कैल्केरिया फर्स्ट 6x है, इसको आप लेकर TMJ को ख़त्म कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि जब आपके पूरा मसूड़े में सुन्नपन हो गया हो, खासतौर से राइट साइड सुन्नपन हो गया हो, अगर यह स्थिति आप में हो और आपको TMJ की शिकायत हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कॉस्टिकम हेनिमनाई। कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें कि अगर आपके मसूड़ों में सुन्नपन हो गया है, नमनेस हो गई है, खासतौर से राइट साइडेड हो गई है, तो कॉस्टिकम इज द ड्रग ऑफ द चॉइस। यह दवा आपको मदद करके आपके TMJ को ठीक कर देगी। फिर साथियों कंडीशन आती है TMJ के मरीज़ों में कि उनको इस जॉइंट का डिसऑर्डर भी है, जॉ और मैंडिबल के बीच का जो जॉइंट होता है इसका डिसऑर्डर भी है, और साथ में आपको टिनिटस यानी कान में आवाज़ें आने की शिकायत भी है और चक्कर आ रहा है। तो अगर 3 चीज़ें या साथ में यानी कि TMJ, वर्टाइगो और यह जो कान में आपको मिनियस डिजीज टिनिटस आ रहा है, यह अगर आपको तकलीफ़ हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कार्बो वेजिटेबलिस। कार्बो वेज 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें तो आपकी यह तीनों बताई गई कंडीशंस ठीक हो जाएंगी और आपका TMJ भी पूरी तरह ठीक होने लगेगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है TMJ में कि यह तब इसकी तकलीफें बढ़ती हैं इस जॉइंट की जब आपको गुस्सा बहुत आता है, आप गुस्सा हुए, आपको बहुत गुस्सा आया और आपकी मसल्स टाइट हो गई, आपके नेक तक की मसल्स टाइट हो गई हैं। तो अगर यह कंडीशन है कि आपको गुस्सा बहुत आता है और आपके मसल्स में स्टिफनेस और टाइटनेस उस वक्त आ जाती है इंक्लूडिंग नेक मसल्स, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा और आपके गुस्से को भी ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा इग्निशिया अमारा है। आप इग्निशिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका गुस्सा कम हो गया, आपकी नेक मसल्स में जो गुस्से के वक्त स्टिफनेस आती वह भी ख़त्म हो गई और आपकी यह TMD की बीमारी भी ठीक हो गई। ये साथियों कुछ दवाएं थी TMJ को ठीक करने की, यानी TMD को, इसका सही नाम TMD है लेकिन लोग TMJ बोलते हैं, TMD को ठीक करने की कारगर दवाएँ थी। हम फिर कहेंगे आपको कोई भी दिक्कत हो बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे दवा न लीजिएगा। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिखकर या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप करके हमसे अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। आपको साथियों अगर यह प्रयास होम्योपैथी को अपने करीब लाने का पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब आपने करा होगा और उसे सब्सक्राइब कराइएगा, उनको प्रेरित करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो हमारा यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।